पाकिस्तान आबादी के लिहाज से 18 करोड़ से ज़ायद अवाम पर मुश्तमिल दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है। कुदरत की बेशुमार नेमतों से मालामाल होने के बावजूद इस मुल्क को बहुत से मसाइल का सामना है, जिनमें सरे फहरिस्त नामुनासिब मुआशी सूरत हाल, आबादी में बेपनाह इजाफा, तालीम की कमी और रोज़गार के मुनासिब मौके मैसर ना होना है। लाहौर पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा शहर है। ज़्यादातर लोग मेहनत मजदूरी करके बच्चों का पेट पालते हैं और बहुत से लोग बेरोज़गार हैं। सेहत, तालीम और रोज़गार जैसी ज़रूरतों का हसूल बहुत मुश्किल है। इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए सन 2005 में आलम बीबी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का क़याम अमल में आया। लाहौर और गिर्दोनवाह के इलाकों का सर्वे करने के बाद इंतहाई पसमानदा इलाका चुंगी अमर सिद्धू कच्चा जेल रोड का इंतखाब करके तालीम, सेहत, खुराक और कर्जे हसना के प्रोजेक्ट्स का आगाज किया गया। आलम बीबी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के जेर इंतजाम अब तक 4 स्कूल, फ्री डिस्पेंसरी, पका पकाया खाना और रोजगार के लिए कर्जा फराहम किया जा रहा है। आलम बीबी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का मकसद पसमानदा इलाकों के होनहार नौनिहालों को तालीम के जेवर से आरास्ता करके मुआशरे का कारआमद शहरी बनाना है। आलम बीबी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के जेर एहतमाम स्कूल्स में 700 से ज़ायद तलबा और तालिबात जेर तालीम हैं। 2005 में आलम बीबी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का क़याम पज़ीर हुआ था। जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन के दौरान इस लोकेलिटी को विज़िट किया और देखा कि यहाँ के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि उनके बच्चों को पढ़ाया जाए, वो बच्चे ख़ुद भी पढ़ना चाहते हैं। अपनी पॉकेट मनी से मैंने इस अदारे को शुरू किया था 60 बच्चों के साथ, लेकिन आज 2013 में 8 साल के बाद इसकी 2 ब्रांचेज हैं, 4 कैंपस हैं जिनमें 750 बच्चे पढ़ते हैं। मेरा नाम अवैस उमर है, मैं 7 क्लास में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम आलम बीबी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। मैं कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। जिस तरह हमारे मुल्क की बच्ची ने टॉप किया था पूरी दुनिया में, इस तरह हम भी टॉप करना चाहते हैं और अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाहते हैं। हमारे स्कूल की सबसे बड़ी खूबी तो ये है कि हमारे स्कूल में बच्चों से फ़ीस नहीं ली जाती। जो बच्चे पढ़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते वो यहाँ आकर पढ़ भी लेते हैं, और सिर्फ पढ़ते ही नहीं हैं, यहाँ पर तलीम के साथ तरबियत भी दी जाती है, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे यहाँ पर पढ़ाते हुए काफ़ी अर्सा गुजर गया है। मैंने यहाँ पर डिसिप्लिन को देखा है कि जो हर जगह पर मौजूद है, सफाई का ख्याल रखा जाता है। उसके अलावा यहाँ पर बच्चों की तबीयत की जाती है। यहाँ पर सबसे स्पेशल, सबसे ख़ास बात ये है कि यहाँ बच्चों की फ्री स्टडी कराई जाती है, उनकी तमाम तर सहूलियत का बेहतर तरीके से ख्याल रखा जाता है। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं कंप्यूटर इंजीनियर बनूँ। मैंने स्कूल से बहुत कुछ सीखा। जब मैं स्कूल में आया तो मुझे इतना नॉलेज था, टीचर की रिस्पेक्ट क्या होती है, दूसरों की रिस्पेक्ट क्या होती है। और अगर जब मैं स्कूल में आया, मेरे टीचर्स, मेरे उस्ताज़ इकराम, मेरी मैडम, मेरे सर, उन्होंने एक ही बात सिखाई, बेटा टीचर की रिस्पेक्ट और दूसरों की इज्जत करना है। मेरा नाम नबी है, मैं 6th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं बड़ों के टीचर बनना चाहती हूँ, जो दूसरे बच्चे तालीम हासिल करें, अपने कौम के लिए कुछ कर सकें। इसके साथ साथ 100 के करीब जेल में कैद सजा याफ्ता खवातीन को तालीम देने के लिए तालीम बालगा के प्रोजेक्ट्स का आगाज किया गया है। स्पेशल बच्चों के लिए स्कूल का एक हिस्सा मुख्तस करके इन पर खसूसी तवज्जो दी जाती है। मेरा नाम समीना बरकत है और मैं स्पेशल क्लास की टीचर हूँ। आलम बीबी स्कूल में टीचिंग करती हूँ, और इन बच्चों को टीच करना इजी नहीं है, काफ़ी मुश्किल है और नामुमकिन तो है नहीं। हमारे स्कूल में नॉर्मल बच्चों के साथ साथ स्पेशल बच्चे, जिनको हम माशरे में समझते हैं कि ऐसी कम्युनिटीज़ जहाँ पे माँ बाप नॉर्मल बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, जब ऐसे बच्चे होते हैं तो उनको बिल्कुल एक साइड पे कर दिया जाता है, वो मार्जिनलाइज्ड हो जाते हैं। तो हमने अपने स्कूल के अंदर ऐसे बच्चों के लिए भी एक प्रोजेक्ट शुरू किया है ताकि इनको हम ट्रेन कर सकें। हमारा ये एक प्रोजेक्ट जो है, इसमें बुनियादी तमाम ज़रूरियात जो चाहिए होती हैं वो नहीं है।
इसके बावजूद भी हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं थोड़े से उनके अंदर हम इन बच्चों को भी साथ लेके चल सकें जो कि उनसे भी ज़्यादा आम हैं जो नॉर्मल बच्चे हैं। स्कूल में दाखिला लेने वाले स्टूडेंट्स को दाखिला के वक्त और हर साल नई क्लास का आगाज होने पर यूनिफॉर्म, स्कूल बैग और किताबें मुफ्त फ्राहम की जाती हैं। चैरिटी स्कूल होने के बावजूद यहाँ तालीम की मियारी सहूलियात और बेहतरीन माहौल फ्राहम किया जाता है। फीस देन जो कि नहीं सके असली ऐसे स्कूल से दाखिल कराया कि इन्हों स्कूल वाले की मेहरबानी इन्होंने सारी सहूलत यानी कि मैसर कर देना। यहाँ आने वाले बच्चों को हम लोग कॉपीज, किताबें, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी सारी चीज़ें मुकम्मल तौर पर फ्री देते हैं। जो बच्चे तकरीबन 200 के करीब ऐसे हैं नाश्ता करके नहीं आते उनको यहाँ फ्री खाना मिलता है और एक ग्रैंड लंच होता है मंथली जो कि सारे बच्चे इकट्ठे मिलके खाना खाते हैं। बिल्कुल अच्छा है, तलीम अच्छी है, अल्लाह ताला इसको हिम्मत दे स्कूल बनाने वालों को और पढ़ने वालों को। और मेरे बच्चे अच्छी तलीम हासिल कर रहे हैं और हमारे पास तो इतनी नहीं थी, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। स्कूल से बाहर की दुनिया से रूशनास करवाने के लिए हर साल स्टडी टूर्स का एहतमाम किया जाता है। तलबा और तालिबात को तालीम के साथ साथ जिस्मानी सेहत बरकरार रखने के लिए खेलों पर खसूसी तवज्जो दी जाती है जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों से बच्चे शरीक होते हैं और उन्हें अपनी सलाहियतें आजमाने का मौका मिलता है। आलम बीबी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के जेर एहतमाम फूड प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में एक सस्ते तनूर का एहतमाम किया गया है जहां लोगों को सब्सिडाइज्ड फूड फ्राहम किया जाता है। सिर्फ 10 रुपए में कोई भी शख्स बेहतरीन मेयार का खाना खा सकता है। 3 साल तक खाने की कीमत 7 रुपए थी मगर अब महंगाई की वजह से इसकी कीमत 10 रुपए कर दी गई है। हम एक फैक्ट्री एरिया में ये काम कर रहे हैं तो उसमें हमने सर्वे किया और देखा कि जो फैक्ट्रीज में डेली वेजेस वाले लोग हैं वो लोग खाना नहीं खा सकते क्योंकि 200 रुपए की मजदूरी में आप 50-60 रुपए का खाना नहीं खा सकते। तो ऐसे लोगों को सामने रखते हुए हमने आलम बीबी फूड प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें डेली तकरीबन 200-250 लोग खाना खाते हैं। ये सब्सिडाइज फूड है ताकि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बाकी रहे कि वो एक हिस्सा डाल रहे हैं और कुछ हिस्सा वो लोग डाल रहे हैं जिनको अल्लाह ने उनके हिस्से का दिया है। आलम बीबी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तहत फ्री डिस्पेंसरी का एहतमाम किया गया है जहां सिर्फ 10 रुपए की रजिस्ट्रेशन फी पर मुफ्त इलाज की सहूलत फ्राहम की जाती है। मरीजों को अद्वियात भी इदारे की तरफ से बिला मुआवजा फ्राहम की जाती हैं। हमारे पास पेड स्टाफ है, सारा MBBS डॉक्टर आते हैं और उनके सब आगे सबॉर्डिनेट हैं। लोगों को 10 रुपए की टोकन फीस पे चेकअप होता है। गरीब आदमी 10 रुपए की पर्ची ला के दवाई ला सकता है, बाल 200 रुपए की दवाई जड़ी से 10 रुपए की मिलती है। हम शुक्रगुजार हैं मैडम फरा के जिन्होंने ये अदारा बनाया और हम गरीबों को 10 रुपए में दवाई अच्छी मिलती है। लोगों को बाइज्जत रोजगार फ्राहम करने और गरीब लड़कियों की शादी के लिए बिला सूद कर्जे भी फ्राहम किए जाते हैं जिनसे अब तक सैकड़ों लोग मुस्तफीज होकर बाइज्जत रोजगार कमा रहे हैं। आलम बीबी रोजगार स्कीम शुरू की ताकि वो लोग जो कि कुछ कारोबार करना चाहते हैं उनको हम बिला सूद आसान एक साथ पे कर्जा दे सकें, कर्जे हंसना दे सकें और वो खुद अर्न करके अपनी फैमिली का सिलसिला शुरू कर सकें। तो इस वक्त हमारे पास 300 बेनिफिशरीज हैं जिनको हम कर्जे हंसना दे चुके हैं। इसमें हम एक तो उनको देते हैं जिन्होंने कुछ कारोबार शुरू करना होता है और दूसरे वो होते हैं जो बीमार होते हैं और वो काम नहीं कर सकते तो उनकी बीमारी के लिए हम लोग उनको पैसे देते हैं जो कि वो ठीक होने के बाद अपना काम करके आसानी के साथ में देते हैं। बहुत सारी बच्चियों की शादी इसलिए नहीं हो पाती कि जहेज़ का मसला है तो हम तीसरा जो कैटेगरी है वो जहेज़ के लिए पैसे देते हैं जो कि वो बाद में आसानी के साथ में बिला सूद वो भी वापस कर देते हैं। इदारा ये सब फलाही काम मुकामी सतह पर इकट्ठी की जाने वाली इमदाद से करता है और इसमें आप जैसे इंसानियत का दर्द रखने वाले लोग खिदमत खल्क और भाईचारे के जज्बे के तहत हिस्सा लेते हैं। इदारे की काविश देखकर दो लोगों ने इदारे को 12 कनाल की जगह अतिया की है। आलम बीबी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इस जगह पर एक बड़ा इंसानी फलाह का मरकज कायम करना चाहती है जो स्कूल,
कॉलेज और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर पर मुश्तमिल होगा। फंड्स की कमी को पूरा करने के लिए इदारे ने वन चाइल्ड अडॉप्शन प्रोग्राम शुरू किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्य खैर में हिस्सा डालकर इन बच्चों की मयारी तालीम और तरबियत को आसान तरीके से जारी रख सकें। आलम बीबी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी कोशिश का नाम है जिसका मकसद लेस प्रिविलेज्ड लोगों के मयार ज़िंदगी को तालीम और तरबियत से बेहतर बनाना है।